नमः शिवाय। शुद्ध ज्येष्ठ मास शुक्रवार द्वितीया तिथि आज दिन भर शाम 6 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा सुबह 11:20 तक आर्द्रा नक्षत्र में चलते रहेंगे, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बलवान और भाइयों के प्रिय होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी, मीठा बोलने वाले, सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले, तेज दिमाग वाले, मंत्र शक्तियों में रुचि रखने वाले और पूर्वानुमान लगाने में सफल होते हैं। ऐसे जातक निष्कपट विचारधारा के, शिल्प कला और कारीगरी में प्रवीण, नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले, भ्रमणशील और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बुध और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज मिथुन राशि में चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुधदेव हैं। आज सुबह 11:40 पर सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः सूर्य बुध और चंद्रमा की युति कायम हो जाएगी, जिसका प्रभाव प्रत्येक जातकों पर उनके अपने कारकों के और महादशा के अनुसार मिलता रहेगा। मेष राशि के जातकों का सार्थक पहल जारी रहेगा। हर काम करने में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और तर्क शक्ति का इस्तेमाल लाभदायक रहेगा। सरकारी योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने से भ्रमात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए वाणी का परिष्करण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, मगर मानसिक अस्थिरता संभावित है। शुक्र राहु की युति और चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में होना निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। फिर भी आप अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यावसायिक उन्नति के लिए करें, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। पिता व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मिथुन राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान महसूस करेंगे, रचनात्मक क्रियाशीलता पक्ष में रहेगी, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी और हर प्रयास सफलता के नए मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम होगा। मगर भ्रमात्मक दौर भी जारी रहेगा, कई कार्य योजनाओं की रूपरेखा मन में बनती रहेगी, मगर एक एक करके हर काम को करते जाएं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से राहत भरी खबर मिल सकती है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है, मगर पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और आपको स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए सामाजिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा, आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी, सक्रियता और ऊर्जा स्तर हर काम में सफलता दिलाएंगे, मगर संतान संबंधी मामलों में चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें, आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है, अच्छे कामों में खर्च संभव है, न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामले आज के लिए टाल दें। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है, निजी संबंधों में तनाव संभावित है और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, व्यावसायिक साझेदारी में लाभ संभव है, अपनी कार्य योजनाओं का विश्लेषण सावधानी पूर्वक करते हुए आगे बढ़ें, लाभ मिलेगा, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है, संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, वैवाहिक प्रसंग फलीभूत होंगे, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, मगर मानसिक उलझने और भ्रम की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा, मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, साझेदारी लाभदायक रहेगी, आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। हालांकि
उच्च के मंगल से आत्मविश्वास, धैर्य, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और जुझारूपन की मानसिकता बनी रहेगी और विवाद के निपटारे को भविष्य के लिए टाल दें, मगर पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। तुला राशि के जातकों को धन लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे, मगर राहु और शुक्र की युति दसवें घर में बनी हुई है। कार्य योजनाओं में अचानक बाधा या रुकावट का संकेत भी मिलता है। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और राजनीतिक व्यक्ति से भेंट संभव है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। विवादित मामलों को निपटाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक भावना बलवती रहेगी, मगर मन अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम भाव में मंगल उच्च के होकर बैठे हैं। सकारात्मक कार्य ऊर्जा का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। हालांकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, कुछ कामों में रुकावट का संकेत मिलता है। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। धनु राशि वाले जातक आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी, नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है, सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। सूर्य बुध चंद्रमा की युति आज के लिए लाभदायक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में निखार, नेतृत्व करने की क्षमता और बौद्धिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। मित्रों के सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता का सहयोग और आंतरिक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर सूर्य बुध और चंद्रमा की युति छठवें घर में होने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता और भयग्रस्तता संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास में भ्रमात्मक स्थिति संभावित है, मगर व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल हो सकता है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मीन राशि वाले जातक नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें। सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा धीरे धीरे राहु के करीब होते जा रहे हैं और आज राहु के नक्षत्र में हैं। कुछ समय के लिए धैर्य और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर काम होते रहेंगे और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव महसूस होगा। मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।